सीबीएसई के अंदर ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, कोई भी दो डिजिट का एक नंबर है उसकी डिजिट्स का सम जो है वो 9 है, ये दे रखा है। ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, उसी नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस, दुगुना है अगर उसकी डिजिट्स का ऑर्डर को रिवर्स करते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ टू डिजिट नंबर को आप कैसे लेट करते हैं, लेट कैसे किया जाता है। तो आपने छोटी क्लास में ये पढ़ा होगा, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने कोई नंबर है 26, तो 26 को 20 प्लस 6 लिखा जा सकता है। और इसी तरह से मान लीजिए आपके सामने कोई नंबर है 72, 72 को लिख सकते हैं 70 प्लस 2। और मान लीजिए कोई नंबर है एक्स वाई, अब इसको लिख सकते हैं हम 10x प्लस वाई। अब ये जो एक्स वाई है ये एक टू डिजिट नंबर के रूप में समझना, इसको मल्टीप्लाई के रूप में मत समझना। तो मैथमेटिक्स के अंदर क्योंकि ये फिर भी कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर हम इसको इस तरह से लेट करें तो कंफ्यूजन होगा कि ये मल्टीप्लाई जैसा दिख रहा है। तो जब भी टू डिजिट को लेट किया जाता है नंबर को, तो फिर हम उसको इस तरह से लेट करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन, तो लेट नंबर बी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई माना जाएगा फिर नंबर। ठीक है, जिसमें उसकी डिजिट्स क्या है, x और y है। अच्छा, तो सम ऑफ डिजिट्स उसने बोला है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ये दे रखा है। कहाँ दे रखा है, देखो ना, सम ऑफ डिजिट्स और टू डिजिट नंबर इज 9। तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से हमने ये इक्वेशन बना ली। अब दूसरा स्टेटमेंट दे रखा उसने, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, यानी कि जो नंबर दिया हुआ है, हमारा नंबर क्या है, नंबर ये है, तो उसका 9 टाइम्स, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इसने दिया है आगे, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। अब डिजिट्स का ऑर्डर अगर रिवर्स कर दें, तो यानी कि ये जो x है, x की जगह y, y की जगह x, तो ये बन जाएगा 10y प्लस x। और ये कहता है 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस ऑफ रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, तो यानी कि यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल आएगा। समझ में आया? तो ये जो बच्चे ने, जिसने ये इक्वेशन बना ली, तो वो समझ लीजिए वो क्वेश्चन अब आसानी से सोल्व कर सकता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट थी, ये वाली आसान थी। तो ये तो आपके ऑलरेडी एक अच्छी फॉर्म में दे रखी है, इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। तो ये क्या इम्प्लाइज होगा, ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक्स एक्स को ऑपरेट करें तो क्या हो जाएगा, 88, ये जब यहाँ पर आएगा माइनस हो जाएगा ना, और ये 9y को इधर भेज दो, चलो तो 11y हो गया, कुछ डिवाइड हो रहा है 11 से, तो ये 8x इक्वल्स टू y। तो आप देख सकते हो यहाँ सब्सटीट्यूशन मेथड ज़्यादा बेटर काम करेगा, क्योंकि y की वैल्यू 8x है, वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो। ये आपकी पहली इक्वेशन बनी, ये आपकी दूसरी इक्वेशन बनी। तो सब्सटीट्यूशन के लिए सीधा बाय 1 एंड 2 भी लिख सकते हो आप, बाय 1 एंड 2, यानी कि y की वैल्यू 8x यहाँ भर दीजिए, तो x प्लस y की वैल्यू जो कि है 8x इक्वल्स टू 9, दिस इम्प्लाइज 9x इज इक्वल्स टू 9, दिस इम्प्लाइज जो x है वो 1 निकल के आता है, तो y सिंपल सी बात है y 8 आएगा, तो देयरफॉर जो y है वो 8 आएगा। तो नंबर क्या होगा, नंबर आपका यहां पर रख दो वैल्यू, अगर यहां पर वैल्यू रखते हैं हम तो 10 इंटू 1 प्लस 8, तो 18 आपका नंबर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, आप देख सकते हो सम भी इसका 9 आ रहा है डिजिट्स का।